अरे अरे, लोगों को वो तो पता है नहीं अभी, उदयपुर और कोटा का तो पता है 29-30 का। बैंगलोर के भी अब डेट और वेन्यू फाइनल हो चुकी, बुक माई शो पे जाके देख लेना। कोलकाता के भी डेट और वेन्यू फाइनल हो चुकी, अगस्त में। जिला स्टेडियम ने डाली थी कुछ ट्रेडर्स पे, जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जो बिल्कुल भी स्कैम नहीं करते। उसका मैसेज हर्ष पाया, वो ज्यादा जानता नहीं होगा हिस्ट्री, यूं कह रहा मैं तेरे पे लीगल नोटिस भेज दूं। मगर बड़ा ही फजीता है यार, लोग वीकेंड को लेकर एक्साइटेड हो जाए कि अपने जो है दोस्तों से मिलेंगे, बंदा बंदी से मिलेंगे, पार्टी पे जाएंगे, मूवी का प्लान करेंगे। हमारा वीकेंड कैसे शुरू हुआ साला, फ्लैट पे सुबह पानी खत्म हो गया। मैं कैंपर वालों को फोन करा तो वो अलग ही एंट्रे यार की आ जाएगा इतनी जल्दी क्या है, और आंटी भी सारी सुबह से वेट कर रही पानी के आने का। तो अब मैं सीधा खरीदने ही आ गया बिस्लेरी वाला 5 लीटर, एक आरो लग रहा हमारे यहाँ, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा मैं। क्या करेंगे कि सड़क पर रख के ना अपनी किया से उसे कुचलेंगे। हर तीसरे दिन खराब हुआ रहा है, कोई कहते ही पैरों पर रोन दी थी इनोवा, तो यार उस आरो ने बहुत परेशान किया हुआ कसम से। हेलो गाइस, नया दिन और मैं जा रहा हूँ अभी बड़े भाई के पास, बड़े भाई को पिक करने। उसके बाद हमें जाना है एक जगह डॉक्टर के यहाँ, मतलब कुछ ऐसे ही थोड़ी सी कंसल्टेंसी लेके आनी है उसके लिए। आज बड़े भाई के साथ बैठ के वही है बस, फिर अपना वही सब प्लान्स करने हैं। लेकिन आज घर पे बालियान जी भी आए हुए हैं, शौर्य शायद अपने घर चला गया, तो अभी वापस से हम 3-4 बॉयज वापस से वही 4 लोगों की गैंग है। बालियान के साथ फुल मस्ती करते हैं, बताना बड़ा ऐसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए। क्या दिन आ गया यार, व्लॉगिंग ने साला जीवन खराब कर दिया। ऐसे बीच सड़क पकड़े हैं लोटस बुलेवर्ड के सामने, ट्रैफिक लाइट पे व्लॉग कर रहे हैं, ये जिंदगी है, ऐसे पैसे कमा रहे हम, बताओ शर्म आनी चाहिए। ऐसे ट्रैफिक लाइट पकड़ोगे तुम्हें पता ना कौन पैसे कमा रहे हैं, हम भी ट्रैफिक लाइट पकड़ोगे पैसे कमा रहे हैं, क्या फर्क रहेगा। चलो जब इतनी अपडेट दे दी तो ये भी दे देता हूँ कि भाई मैं नहा के भी नहीं आया। कोई है भाई और कुछ नई बात बता भाई, और गैस करो गाइस हम कहाँ हैं। इधर जाना ना, मैं तो ऊपर, हम हैं दिल्ली के ट्रैफिक में, जबकि बिल्कुल नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पे ही हैं। हमारी गलती ये हो गई कि हम एकदम पीक टाइम पे बाहर निकल आए, और अभी 20 किलोमीटर के लिए भी 46 मिनट दिखा रहा है। हाँ तो स्ट्रेट टू द इवनिंग, और मेरे अभी जिम जाने का समय हो चुका, और शौर्य जो है आज चला गया फाइनली। अरे नहीं ऐसा नहीं है, बाइक की चाबी ढूंढनी है। अब तेरे भाई ने ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया ना ड्रॉर, मतलब रूम अपना सब कुछ ड्रॉर में रखा मिलेगा। वूफर के रिमोट हैं, ये प्रोजेक्टर के साइड में मिलेगा, प्रोजेक्टर का रिमोट इधर मिलेगा। नाइस, लाख लाख शुक्र है कि मैं गाड़ी से नहीं आता जिम, और ये इतनी डिस्टेंस पे है कि मैं बाइक से आ सकूँ इजीली, वरना तो यही हालत होती मैं भी जाम में फंसा सारे टाइम। बायोमेट्रिक अब तक मिलने लगा, अभी कांच का सिस्टम मुझे किसी दिन तोड़ना पड़ेगा। खुल गया कांच के शीशे की वजह से, मैंने जिम ज्वाइन करा। ऑटोमेटिक कांच का डोर एक काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन है, 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड में से रखा जा सके। मैं इतना थक गया, मेरा कोई भी फालतू बात करके कॉमेडी करने का मन नहीं है, वो ये दैट फनी गाय एट द एंड ऑफ द डे। और एक चीज़ मैं काफ़ी सोचता हूँ कि जिम्स के अंदर यार एसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर आके ऐसा लगे ना कि जैसे दम घुट गया हो, इतना तेज एसी चलाए रखे अंदर, न अच्छे से पसीने निकल पाते हैं यार, मतलब पंखे हों और सफोकेशन ना बने अंदर, बस ऐसा हो एग्जॉस्ट वगैरह एसी ना नहीं होना चाहिए, और हो तो एक आधा हो जिससे कि बस अंदर सांस आते रहे, वो घुटन ना बने। यहाँ तो साला ऐसा चलाए रखे हैं 2 टन के साथ एसी, अब अंदर शिमला बना रखा है इस टाइम जिम पे। अरे अरे अरे, लोगों को वो तो पता है नहीं अभी, उदयपुर और कोटा का तो पता है 29-30 का। बैंगलोर के भी अब शो डेट और वेन्यू फाइनल हो चुकी, बुक माई शो पे जाके देख लेना। और कोलकाता के भी डेट और वेन्यू फाइनल हो चुकी, अगस्त में है, वही बुक माई शो पे जाके देख लेना, प्रिंट कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और मेरठ का शो वेन्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबली फाइनली है, मेरठ के अंदर ही है, कॉलेज ऑडिटोरियम है, आजकल में वेन्यू वहां का फाइनल डल जाएगा, डेट फाइनल है, टाइम फाइनल है, खरीद लेना। और बैंगलोर के 2 शो है, क्योंकि वहाँ पे छोटा वेन्यू है तो 2 शो डाल दिए हमने, 5:30 बजे का, 7 बजे का, 5 या 7:30 का कुछ ऐसा है। जिन लोगों ने बैंगलोर का पहला टिकट लिया हुआ था जब तक वेन्यू और डेट फाइनल नहीं थी, उन लोगों का 5 बजे का टिकट था, तो वही उसमें एडजस्ट हो जाएगा नए वाले 5 बजे वाले शो में। आर्ट खोज जेपी नगर बैंगलोर 5 PM, दूसरा शो है 7:30 बजे। डेट क्या है बैंगलोर की? 12 अगस्त। और कोलकाता? कोलकाता है कलाकुंज ऑडिटोरियम 27 अगस्त शाम 6 बजे। और मेरठ? मेरठ का जी है वेन्यू टू बी अनाउंस्ड, वो बस हो जाएगा 2-1 दिन में, कोटा 30 तारीख और उदयपुर में 29। ले लेना सब टिकट्स, बाकी अब ढाका का वहाँ पे वो करवा देंगे, नंगा नाच बैटमैन का वो खाली बैटमैन का वो पर्दा सा पर आ गए, ढाका भागा होगा एक बार, पीछे बैकग्राउंड में स्पोर्ट करना पड़ेगा सबको कि कब आया, मतलब 2 घंटे के शो में कभी भी आ सके ढाका। आज तो जिम में चला ही साइकिल। साइकिल किसकी चला दी थी? कब आ रही? ये यार इस वाले जिम में कोई वो नहीं आ रही क्या, क्यूटी बढ़िया वाली? हाँ मुझे याद करे कोई नहीं, मुझे नहीं करती इसमें तो रुई राय क्वीन भी आ रही।
नहीं यार पर तुम्हारे टाइम में कह रहा हूँ मैं, हमारे टाइम में सभी आए हैं यार, पर मैं ध्यान नहीं देता यू नो। यश भाई यार ये तो बताओ और कौन आ रहा होगा भाई, अगर यश भाई से पीटी ले ली ना महंगा में लगा भाई, पर टहलना है खाना खा के यार। आज हमने सोचा था कि बाहर जाके खाएंगे तो हमने खाना नहीं बनवाया आंटी से, पता पहले ना ऐसा हुआ कि यूं कह दिया कि बाहर जाएंगे कुछ बाहर खाएंगे, तो फिर पहले मैंने कुछ मंगाया, मैं कह यार मुझे थोड़ी सी भूख है मैं खा लूं, फिर बालियान ने कुछ मंगा लिया क्योंकि मुझे भी भूख है थोड़ी मैं भी खा लूं, अब फिर इन्होंने भी अपना मंगा लिया, भाई हमें भी भूख है थोड़ी सी खा लें, बस इससे बड़े तो आंटी से ही बनवा लेते, आंटी की मौज करवा दी, मजा नहीं लाइफ। वे क्या खत्म मौसम हो रहा है, अरे वो अच्छा सुहाना मौसम कब हुआ होगा नोएडा में, वो तो जब मैं आऊँ मेरी शरीर की खुशबू सही हो जाए, जब मैं कल जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ यार, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे दो वीडियो वो अब कहीं घूमने चलते हैं यार, कहाँ जाना चाहिए यार, मतलब लोगों से मैं जेन्युइनली राय लेना चाह रहा हूँ, मतलब मैं लोगों से राय लेना चाह रहा कि ऐश्वर्या राय लेना चाह रहा क्या, हाँ वो भी मिल जाए तो बढ़िया है, कहाँ के व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो, मतलब आउट ऑफ इंडिया कोई अच्छे से, आई तो बात कर रहा है मैं सारी बात काटूंगा, देख कैसे काट सकूं मैं, मेरे अंदर ही एक आर्ट है, वो किया का जो मैट ब्लैक कलर है अच्छा लग रहा दिखा, उस पर बैठ के चुत्र रगड़ ले ये तो इजी था यार, और बता चल तू नॉर्मल ही बात करना, मैं काटूंगा फिर सारी। लास्ट वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसी मेरी बेड पर है 5 साल में तो अपने चैनल को कहाँ देख पा रहा, आने वाले 5 साल में यही देखूंगा लैपटॉप में आए तो भैया आए तो कहना बकचोदी के मूड में ही तो अच्छा, और चाचा ना बता मुझे कैमरे पा गया बोल रहे, अगर तुझे मैकबुक या पीसी में से एक डिवाइस चूज करना हो तो क्या चूज करेगा, मैकबुक पीसी में से प्रियंका चोपड़ा देख ला, आज तो कहना भैया स्क्रिप्टेड कॉमेडी कर रहे होगा भाई, लिख के लाए सारे लाइन सारे इतना ऑन पॉइंट जा रहे हो लेकिन अभी लोगों को मेरा ह्यूमर का वो नहीं पता, अभी मैंने पिटारा खुला नहीं, अभी तो ऊपर से चल रहा है, नहीं पता अगले 10 साल में मैं क्या ले रहा हूँ खजाने में। अच्छा सुबह जल्दी उठना प्रेफर करेगा या रात में देर में सोना, देख जिस तरह की मैं चढ़ाई करता हूँ तो रात में लेट तो सुबह फिर हड्डियां कड़ी सी रहे हैं, तो सुबह लेट ही उठना यार, बड़े आदमी लेट ही उठक रहे हैं, सुबह गरीब उठा सबसे जल्दी गरीब आदमी सुबह तड़क में उठ लिया, सुबह उठने ने कुछ नहीं दिया। अच्छा सुबह क्रिकेट का प्लान बन रहा सोसाइटी में, तो खेलने चला गया 7 बजे, क्रिकेट का प्लान बन रहा है सोसाइटी में, सोच सकता हूँ इस बारे में, तो बच्चे खेल रहे होंगे छोटे छोटे, नहीं नहीं एमईटी के बालक हैं, छोटे ही हैं मेरे सामने तो, हाँ ये तो है अपने माँ जा यार, हम तो ग्रेजुएट के आगे भी बहुत बड़े, बहुत कुछ हो लिया, जॉब भी मेरी उम्र में तो जॉब भी क्विट कर दे, संन्यास ले लें नौकरी से भी, यही तो मारा था सिंघम ने एक बार उसका सर इसमें ही प्रकाश राज का, नो पार्किंग बस दूसरी में मारा दिक्कत उसमें प्रकाश राज नहीं तो उसमें तो दया वया थे फिनाले उसके बाद ही जाऊंगा मुंबई में, नहीं तो इस टाइम भीड़ ज्यादा हो जाएगी, अभी भीड़ नहीं लोग हम भी वहीं जा रहे, वहां जा रहा मैं तो, लेकिन अभी मुंबई वही ऐसे है क्यों तो बात, मैं तो पीटा हूँ यू कर दी यार बहुत ज्यादा चहल पहल हो रही इस टाइम सोसाइटी में यार, मैं वही देख रहा कि यही 4 करोड़ का आदमी है ढाक, एक बात बता अब तो खैर हम एक दूसरे को सब एक दूसरे को छपरी छपरी कहते हैं इंटरनेट पे, बट एक तो टाइम था जब हम सब रोडीज का ऑडिशन देना चाहते सबने ड्रीम करा था एक बार तो कि मैं रोडी बनूंगा, देखिए रोडी का मैंने कभी नहीं करा, पर मतलब एक ही हो रहा था कि मैं भी ऑडिशन दूं जाके, रघु राजीव ना हाइप सेट कर रखी थी शो की, कुछ तो बात थी उस टाइम, रणविजय सिंह का बन गया कर था होस्ट, रणविजय सिंह ने पर हमेशा सेंसिबल बात करी, रणविजय भी डोनी लगा गया था उस टाइम यार, बड़ी फेम थी इन लोगों के पास, हाँ इन लोगों ने यार फेम की अर्ली स्टेज एंजॉय करी, जब फेम बहुत मतलब मलाई जैसे क्या देख रहे हैं, अब तो फेम चलते फिरते उस पे है, अब तो ये सामने अंकल आ रहे इस पे भी इस पे भी फेम है, इसका भी एक फाइनेंस चैनल है, ये 2 करोड़ कमा लिया फाइनेंस चैनल से, लास्ट स्टूडियो में डाली थी कुछ ट्रेडर्स पे, तो कुछ जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल भी स्कैम नहीं करते, उनका मैसेज आया कि उसका मैसेज अर्श पाया, वो ज्यादा जानता नहीं होगा हिस्ट्री, यूं कह रहा मैं तेरे पे लीगल नोटिस भेज दूं, मगर लमा भैया दिन के 6 आ रहे हैं ब्रो ये ब्रो थिंक्स इज द फर्स्ट वन, उसे लग रहा है वो पहला बंदा है जो लीगल नोटिस बहुत लंबा सा मैसेज करा कि आप, अरे मैंने एक रील यूज कर रखी है उसकी, वो भाई हैं वो जो एक दो भाई लीगल नोटिस के लिए घर में एक कमरा बना रखा मैंने जैसे फाइल का चट्टा लग रहा जैसे स्टोर रूम हो ऐसे ही मंगाते रहे रखते रहेंगे, तो जैसे ही वो हमने मैसेज देखा बहुत बड़ा मैसेज था कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस पर हमने फनी रिएक्ट करके छोड़ दिया, अब आगे
लीगल नोटिस अब तक? अब तक तो नहीं है। वकील थोड़ी देर में चंपेगा। लीगल नोटिस कुछ नहीं होता दोस्तों, इससे नहीं डरना चाहिए। बस जब जेल में दिखूंगा तो जब तक तुम जेल में ना चले जाओ तब तक नहीं डरना चाहिए, उसके बाद डर तो उसके बाद काटो। तो होता एक कोर्ट में केस चल रहा है कि इसने आपकी रील कैसे डाल दी वीडियो में। जो चीज इंटरनेट पे है वो तो फ्री टू यूज है ना, हर आदमी को उसको क्रिटिसाइज करने का हक है, डाल लो क्या दिक्कत है। हाँ कोई कॉपीराइटेड उठा के डाल ले नई जगह, उस पर आप कॉपीराइट मारो। और आपको कोई ऐसी चीजें कह रहा जो प्लेटफॉर्म भी अलाउ नहीं कर रहा, वहाँ आप लीगल नोटिस भेजो। लीगल नोटिस क्या, वहाँ केस करो आप सीधा। लीगल नोटिस तो कुछ भी नहीं होता भाई, ये तो कागज का टुकड़ा है, कोई चलता फिरता वकील भेज जाए इसे तो।